This video will show how to use epoxy resin to make jewelry. हमें चाहिए होगा epoxy resin, एक disposable cup और एक popsicle stick. Gems and beads are optional. ये जो jewelry आप screen पर देख रहे हैं ये epoxy resin से बनी है. बहुत ही आसान method आपको बताएंगे. हमें एक mixture बनाना है using epoxy resin and epoxy hardener. ये इन टू बॉटल्स में ही आता है. इनको इक्वल अमाउंट में डालकर बहुत अच्छी तरह मिक्स करना है. ये दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं कि आप इक्वल अमाउंट में और अच्छी तरह मिक्स करें, वरना आप जो लेयर बनाएंगे वो टूट जाएगी या फिर ड्राई नहीं होगी. हम यूज़ कर रहे हैं आई स्मॉल टू मेक नेकलेसेस, क्योंकि ये फ्लावर शेप में थे. आप कोई भी मोल्ड यूज़ कर सकते हैं जो आपके पास पहले से घर पर हो. इवन आप एक स्पून भी यूज़ कर सकते हैं. हम यूज़ कर रहे हैं कुछ जेम्स एंड बीड्स. सबसे पहले हम वो डाल देंगे मोल्ड में और उसके ऊपर हमने जो मिक्सर रेडी किया है वो पोर कर देंगे. हम इसमें कोई पेंट यूज़ नहीं कर रहे क्योंकि मैं इसको ट्रांसपेरेंट ही रखना चाहती हूँ ताकि इसमें जो जेम्स एंड बीड्स हैं वो अच्छी तरह नज़र आएं. लेकिन अगर आपको कलर में चाहिए तो आप एक्रेलिक पेंट इसमें थोड़ा सा मिक्स कर सकते हैं अपना जो भी शेड आपको चाहिए वो बनाने के लिए. अपने जेम्स और बीड्स को फेसिंग डाउन रखें मोल्ड में, क्योंकि जब हम इसको बाहर निकालेंगे तो वो फेसिंग फ्रंट होगा. अब हमें ये देखना है कि हमने इसमें होल कैसे करना है ताकि उसमें हम थ्रेड या चेन डाल सकें. तो उसके लिए यह कि आप टूथपिक्स को ग्रीस करके जहाँ पे आपको होल बनाना है वहाँ रख दें. या आप कोई हॉलो बीड रख सकते हैं, लेकिन जब ये हाफ सेट हो जाए और उस हॉलो बीड को आपको निकालने की भी ज़रूरत नहीं होगी, आप उसके अंदर से ही थ्रेड निकाल सकते हैं या चेन, या फिर हॉलो बीड को थ्रेड या चेन डालने से पहले बाहर भी निकाल सकते हैं, जस्ट लाइक वी डूइंग विद द टूथपिक. ये हमारा एंड रिजल्ट है. हमने होल बनाकर उसमें से थ्रेड निकाल दिया है और उसमें कुछ बीड्स भी डाल दिए हैं. आप ज़रूर ट्राई करें और हमें बताएं कि आपकी एपॉक्सी रेजिन ज्वेलरी कैसी बनी. थैंक्स फॉर वॉचिंग.